डी स्टूडेंट्स नो वी आर डिस्कसिंग नंबर ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट दियर लॉसोसर ईयर लॉस कब होगा जब आप एक्सेसिव नॉइज सुनेंगे तब हेयर लॉस होगा अदरवाइज नो प्रॉब्लम इंटेंसिटी ऑफ द नॉइज अगर इंटेंसिटी ऑफ द नॉइजा है तो यही चीज हमारे लिए साउंड प्रेशर का बायस बनती है जो कि आपके कानों के ऊपर बॉडी के ऊपर माइंड के ऊपर एक बैड इफेक्ट डिवेलप करती है टाइप्स ऑफ नॉइज नॉइज किस किस्म का है वाइड बैंड नैरो बैंड और इम्पल्स ड्यूरेशन ऑफ डेली एक्सपोजर कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप रूटीन में ही नॉइज सुन रहे हैं और डेली जहाँ पर जा रहे हैं वहाँ पर नॉइज आप सुनते हैं टोटल ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर कितनी देर तक आप नॉइज सुनते हैं एक घंटा दो घंटा दस घंटे आठ घंटे इस चीज़ को भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है एज ऑफ द इंडिविजुअल वो बच्चा है या अडल्ट है या बहुत सीनियर है इस पे डिपेंड करता है क्योंकि हमें मालूम है कि साउंड के जो लेवल हैं या साउंड का जो मिनिमम क्वालिटी है या मिनिमम लेवल है या मैक्सिमम लेवल है ये एज के साथ भी चेंज होता है को एग्जिस्टिंग हीरिंग डिजीज इन सब चीज़ों की वजह से हरिंग डिजीज डिवेल्प हो सकती है या डिवेल्प नहीं भी हो सकती नेचर ऑफ द एनवायरनमेंट इन विच एक्सपोजर अकर अगर आप लोग प्लेजेंट एनवायरनमेंट में हैं रिलैक्स हैं मेंटली फिजिकल रिलैक्स हैं लिटिल बिट नॉइज ज्यादा भी हो जाता है तो एक्सेप्टेबल है क्योंकि ओवरऑल वर्किंग एनवायरमेंट ठीक है अगर आप टेंस एनवायरमेंट में है या टेंस सिचुएशन में है तो ये चीज़ें आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होंगी द प्राइमरी सोर्स ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशन हैजर्ड्स आर नंबर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन नंबर टू द अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट नंबर थ्री एन आई ओ एस एच ये बेसिकली तीनों दारे हैं इंस्टीट्यूट्स हैं डिपार्टमेंट्स हैं इनके आगे काम कर रहे हैं और इनका प्राइमरी काम ये है कि स्टैंडर्ड्स बनाना और रेगुलेशन कर दें किस चीज़ के नाइज के मतलब ताकि वर्किंग वर्किंगमेंट में स्मूथ कूल एंड काम रह के अपनी जॉब परफॉर्म कर सकें ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन रेगुलेशन रिक्वायर द रिक्वामेंटेशन ऑफ हियरिंग प्रोग्राम्स ये तीनों अदादे जो है इनका काम ये है कि प्रोग्राम्स बनाना पॉलिसीज बनाना और बनाने के बाद आर्गनाइजेशन को डिसेमिनेट करना तक डिलीवर करना और वो आर्गनाइजेशन की ड्यूटी है कि उसको इंप्लीमेंट करना ताकि वो चीज़ें आर्गनाइजेशन में दोबारा डिवेल्प ना हो सके आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एसोसिएशन रेगुलेशन रिलेटिंग टू तो आकोपेशनल नाइज इज ट्वेंटी नाइन सी एफ आर वन नाइन जीरो वन जीरो पॉइंट नाइन फाइव ये स्पेसिफिक स्टैंडर्ड डील ही नाइज को नाइज एक्सपोजर को नाइज काज को नॉइज इफ़ेक्ट को साउंड को या वो नॉइज़ जो इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उसको डील कर रहा है द बेसिक रिक्वायरमेंट्स जनरेटेड फ्रॉम द स्टैंडर्ड्स फ्राम ऑडियो कन्जरवेश अवेल्यूशन परसोनल हेरिंग प्रोटेक्शन डिवाइस रेकर्ड कीपिंग प्रोग्राम अवेलुएशनस ये बेसिकली कंजर्वेटिव प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम लोग ये देखते हैं कि किस तरह ये चीज़ें इंसान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं और बेनिफिटिड हो सकती हैं अगर ये सारी चीज़ें ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी एसोसिएशन डिपार्टमेंट्स के एस ओ पीज के मुताबिक हों जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली हैं उसके मुताबिक हों तो ये नुकसानदेह नहीं है अगर उसके मुताबिक नहीं हैं तो ये चीज़ें इम्प्लाई के लिए नुकसानदेह होंगी ए एन आई एस स्टैंडर्ड्स एस वन टू पॉइंट वन थ्री स्पेसिफिकली हेल कंजर्वेशन को डील करता है और लास्ट में यह स्टूडेंट्स

के डिसीजन में भी इम्प्लाई को हेल्प करती हैं और यही चीज़ें ऑर्गेनाइजेशन कल्चर को बैटर बनाने का भी बायस बनती हैं इन चीज़ों को मैन्यूटली देखा जाता है उसके बाद इम्प्लाई फैसला करता है कि वेदर ही अर स्ट्रेन वे दैट ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट